शानदार स्टाइल, ऑसम गैजेट्स और इक्विपमेंट्स, तेज गाड़ियां और मौत से खेलने का जुनून, यही सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने तकरीबन 57 सालों से जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर को दुनिया भर में फेमस और जिंदा करके रखा है। अब जहां पर फिर से इस साल जेम्स बॉन्ड अपनी वापसी नो टाइम टू डाई मूवी से करने वाला है, ऐसे में ये एक बहुत ही अच्छा मौका होगा जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए 15 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को जानने का, जैसे कि जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर को कैसे और कब मारा गया था, किस एक्टर ने जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले करने के लिए झूठ बोला था, क्या है कहानी असली 00 एजेंट्स की, और जेम्स बॉन्ड का पॉपुलर थीम सॉन्ग एक छींक पर क्यों आधारित था। ये और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, तो देर किस बात की। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी ऐसी ही अमेजिंग और ऑसम वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे और आप उन्हें मिस नहीं करेंगे। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमोको हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 15, जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर बेसिकली बेस्ड है ऑथर इयान फ्लेमिंग के जेम्स बॉन्ड के नॉवेल्स के ऊपर, जहां पर उन्हें इस नाम का आइडिया एक बर्ड वॉचर यानी कि ऑर्थनोलॉजिस्ट डॉक्टर जेम्स बॉन्ड से मिला, क्योंकि इयान फ्लेमिंग को यह नाम काफी ज्यादा बोल्ड, हैंडसम और मैस्कुलिन लगा। उन्होंने अपने कैरेक्टर के लिए इस नाम को यूज करने के लिए डॉक्टर जेम्स बॉन्ड से भी बात की, जिन्होंने इयान फ्लेमिंग को बताया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो इस नाम को यूज कर सकते हैं, और उसी दिन से इस कैरेक्टर को अपना नाम मिल गया। फैक्ट नंबर 14, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फ्रेंचाइजी तकरीबन 57 साल पुरानी है, तो जाहिर सी बात है किसी एक ही एक्टर का इस रोल को प्ले कर पाना नामुमकिन था। इसीलिए अभी तक की जेम्स बॉन्ड की सिनेमैटिक हिस्ट्री में तकरीबन 6 अलग अलग एक्टर्स ने जेम्स बॉन्ड के रोल को प्ले किया है, जिसमें क्रोनोलॉजिकली 1962 में सबसे पहले इस कैरेक्टर को प्ले किया शॉन कॉनरी ने, फिर उसके बाद 1969 के एक ही जेम्स बॉन्ड की मूवीज ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस में जॉर्ज लेजन बी एज जेम्स बॉन्ड देखे, फिर उसके बाद 1973 से रॉजर मूर ने जेम्स बॉन्ड की कमान संभाली, फिर इनके बाद 1987 से 89 तक टिमोथी डेल्टन सिर्फ और सिर्फ 2 मूवीज में जेम्स बॉन्ड के रूप में दिखे, फिर उसके बाद 1995 से 2002 तक पियर्स ब्रॉसनन जेम्स बॉन्ड के रूप में दिखे, और हाँ, ये वही है जिनसे गुटखा बिकवाया गया था, और फाइनली डैनियल क्रेग ने 2006 से जेम्स बॉन्ड की कमान संभाली, और इस साल 2020 में वो आखिरी बार जेम्स बॉन्ड बनने वाले हैं। इन सब के अलावा हैरानी की बात ये है कि सारे के सारे एक्टर्स ब्रिटिश हैं, बस एक को छोड़ के, जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताने ही वाले हैं। फैक्ट नंबर 13, अब जहां पर इतने सारे एक्टर्स ने इस रोल को प्ले किया है, वहीं पर हैरानी की बात यह है कि कई सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस आइकॉनिक कैरेक्टर को प्ले करने के लिए साफ मना कर दिया, जिसमें पुराने जमाने के अमेरिकन एक्टर्स क्लिंट ईस्टवुड, बर्ट रेनॉल्ड्स और एडम वेस्ट जैसे एक्टर्स ने इस रोल को रिफ्यूज कर दिया। वहीं पर आगे जाकर स्कॉटिश एक्टर लियम नेसन को भी इस रोल को ऑफर किया गया, पर उनकी वाइफ ने उन्हें इस रोल को करने से मना कर दिया, और लियम नेसन खुद भी एक एक्शन मूवी नहीं करना चाहते थे। वहीं पर उस जमाने में अपनी मूवी अमेरिकन साइको के लिए फेमस क्रिश्चियन बेल को भी ये रोल ऑफर किया गया, पर उन्होंने ये रोल ये कहकर ठुकरा दिया कि मैंने अभी अभी एक सीरियल किलर का रोल निभाया है। अब जहां पर इतने सारे एक्टर्स ने इस रोल को ठुकराया, वहीं पर इस रोल को पाने के लिए DCEU में सुपरमैन का रोल निभाने वाले हेनरी कैविल बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थे, पर कैसीनो रॉयल की मूवी के ऑडिशन के दौरान उन्हें ये रोल बस इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वो थोड़े से ज्यादा चबी थे, और रोल मिल गया डैनियल क्रैग को। फैक्ट नंबर 12, अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, पर ये माना जाता है कि जो भी एक्टर जेम्स बॉन्ड के रोल के लिए साइन अप करता है, वो किसी और मूवी में टक्सीडो पहनकर अपीयर नहीं हो सकता, और इसी कारण ये कहा जाता है कि पियर्स ब्रॉसनन ने 1999 की मूवी द थॉमस क्राउन अफेयर में उन्होंने बहुत ही अलग ढंग से टक्सीडो पहना था, जिसमें उन्होंने अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर अपने बो टाई को अनटाई कर दिया था, और इसी कारण उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ा, यानी यहाँ पर अपना भाई सही खेल गया। फैक्ट नंबर 11, मूवी में किसी स्पेसिफिक कल्चर को दिखाना या इनकॉर्पोरेट करना कोई नई बात नहीं है, पर वहीं पे कुछ चीजें अगर गलत ढंग से दिखा दी जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, पर ऐसा स्पेक्टर के केस में नहीं हुआ। मेरा मतलब है कि 2015 की स्पेक्टर मूवी की ओपनिंग सीन में मेक्सिको का द डे ऑफ द डेड परेड दिखाया गया। अब मेक्सिको में डे ऑफ द डेड को तो 60s के जमाने से ही मनाया जाता है, पर इसमें स्पेक्टर मूवी से पहले कोई परेड नहीं निकलती थी, लेकिन मूवी के पॉपुलर होने के बाद ये जगह भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, जिसके कारण दुनिया भर से टूरिस्ट इस मौके पर आने लगे। वहीं पर मेक्सिकन गवर्नमेंट ने इस मौके को कैश करने के लिए मूवी जैसा ही परेड हर साल ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया, जिसके कारण मेक्सिको की इस कल्चर में एक नया एडिशन हो पाया। फैक्ट नंबर 10, जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर का बंदूकों से खेलना एक आम बात है, लेकिन तब क्या होगा जब आपको बंदूकों से डर लगता हो और आपको जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले करना हो,
जेम्स बॉन्ड के सबसे सक्सेसफुल पोर्ट्रेयल्स को निभाने वाले रॉजर मूर को होप्लोफोबिया था, जो बेसिकली फायर आर्म्स का फोबिया होता है, जिसके कारण ऐसे लोगों का फायर आर्म्स, बंदूक और पटाखों के आसपास भी रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसी कारण रॉजर मूर को अपने सीन्स को कर पाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, और कभी कभार एक छोटे से गन के सीन को भी करने के लिए एक स्टंट मैन को उनके सीन को करना पड़ता था। सबसे हैरानी की बात यह है कि रॉजर मूर ही एक ऐसे एक्टर हैं जो जेम्स बॉन्ड के रूप में सबसे ज्यादा दिखे हैं। फैक्ट नंबर 9। अब बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी के कुछ फैंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आते हैं अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, जो 1961 से 63 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उनकी फेवरेट जेम्स बॉन्ड की नॉवेल फ्रॉम रशिया विथ लव है, जिसके कारण फ्रॉम रशिया विथ लव के सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। और जब इसकी मूवी अडॉप्टेशन आई तो जॉन एफ कैनेडी ने व्हाइट हाउस में 21 नवंबर 1963 को इस मूवी को सबके साथ देखा, ठीक अपनी मौत के एक दिन पहले। इसके बाद बारी आती है दूसरे फैन की। सो फेमस अमेरिकन म्यूजिशियन एल्विस प्रेस्ली जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के एक बहुत बड़े फैन थे, और वो 10 अगस्त 1977 को द स्पाई हू लव्ड मी के प्रीमियर में भी शामिल हुए थे, लेकिन बस उसके 6 दिन बाद ही 42 साल की उम्र में एल्विस प्रेस्ली की मौत हो गई। फैक्ट नंबर 8। जेम्स बॉन्ड की नॉवेल्स में जेम्स बॉन्ड को एक बहुत ही हैवी स्मोकर के रूप में दिखाया गया है। इतना हैवी कि अगर वो एक रियल पर्सन होता तो कब का कैंसर से मर चुका होता, क्योंकि भाई साहब तकरीबन एक दिन में 65 से 70 सिगरेट पी जाते थे, जो कि दिन भर का 3.5 पैकेट के बराबर है। वहीं पर मूवीज में भी एक अच्छे खासे अमाउंट में जेम्स बॉन्ड को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। पर जब सिगरेट से होने वाली कैंसर की अवेयरनेस बढ़ने लगी तो डाई अनदर डे में जेम्स बॉन्ड ने आखिरी बार सिगरेट पिया, और डेनियल क्रैग के जेम्स बॉन्ड के रन के दौरान जेम्स बॉन्ड ने अभी तक स्मोक नहीं किया है। जाहिर सी बात है, जेम्स बॉन्ड की फैन फॉलोइंग दुनिया भर में है। ऐसे में मूवी क्रिएटर्स का फर्ज बनता है कि वो लोगों तक गलत इन्फ्लुएंस न पहुंचाएं। फैक्ट नंबर 7। सो गाइस, एक बड़े रोल को पाने के लिए एक न्यूकमर एक्टर कुछ भी करने के लिए मजबूर होता है, पर फिर भी जेम्स बॉन्ड के इस एक्टर ने तो मजबूरी की सारी हद ही पार कर दी, जहां पर उसने इस रोल को पाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोले। ओरिजिनली ऑस्ट्रेलियन एक्टर जॉर्ज लेजनबी ने शॉन कॉनरी के बाद जेम्स बॉन्ड का रोल पाने के लिए खुद को एक ब्रिटिश एक्टर बताया, और बिल्कुल शॉन कॉनरी के स्टाइल में टक्सीडो, रोलेक्स और शॉन कॉनरी के जैसा हेयर स्टाइल बनाकर वो फिल्म मेकर्स के पास गए। ऊपर से टेक्निकली वो एक्टर थे भी नहीं, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्राइज का एक मामूली कॉमर्शियल ही किया था, पर फिर भी उन्होंने फिल्म मेकर से ये झूठ बोला कि वो जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और रशिया में बहुत बड़ी बड़ी मूवीज बना चुके हैं, और उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं जिससे लोग इस चीज को वेरीफाई कर पाए। ऊपर से वो जमाना कोल्ड वॉर का था, जिसके कारण किसी भी तरह से उनके काम को वेरीफाई नहीं किया जा सका। एंड गेस व्हाट, उन्हें 1969 के ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस में जेम्स बॉन्ड का रोल मिल ही गया, और वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही जेम्स बॉन्ड के रूप में दिखे, क्योंकि उनके किसी जानने वाले ने उन्हें ये बता दिया था कि जेम्स बॉन्ड मूवी का फैशन पुराना हो गया है, और उन्होंने जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के साथ एक मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, जिसे वो आज तक अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं। फैक्ट नंबर 6। 1962 से 2015 तक अब तक ऑफिशियली बॉन्ड की 25 मूवीज आ चुकी हैं, और इस सीरीज की सबसे बेकार मूवी मानी जाती है डाई अनदर डे, जिसकी बेकार स्टोरी और प्लॉट ट्विस्ट और खराब सीजीआई ने इस मूवी को जेम्स बॉन्ड मूवीज की एक पैरोडी की तरह दिखाया। पर फिर भी इस मूवी ने किसी तरह भी $432 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमा ही लिए, जो 2002 के हिसाब से सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉन्ड मूवी थी। वहीं पर इसका रिकॉर्ड तोड़ा 2012 की स्काईफॉल ने, जिसने $1.1 बिलियन कमाए। इसके अलावा जेम्स बॉन्ड की दो और अनऑफिशियल मूवीज भी हैं, जिन्हें इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं माना जाता, जिसमें एक है 1967 की कैसीनो रॉयल, जिसमें डेविड निवेन ने जेम्स बॉन्ड का रोल प्ले किया था, और ये बेसिकली जेम्स बॉन्ड की कॉमेडी / पैरोडी फिल्म है। वहीं पर 1954 में एक और कैसीनो रॉयल बनाया गया था, जो एक टीवी सीरीज थी, और एक और फुल फ्लैश्ड बॉन्ड मूवी भी है, जिसका नाम नेवर से नेवर अगेन है, और इसमें सीन कॉनरी एक बार फिर से जेम्स बॉन्ड के रूप में दिखे हैं, और ये सब के सब इस फ्रेंचाइजी के हिस्से नहीं माने जाते। फैक्ट नंबर 5। डेनियल क्रैग का जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइजी को फिर से रिवाइव करने के कारण ब्रिटिश कार कंपनी एस्टन मार्टिन, जिन्होंने जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइजी के लिए कई सारे बॉन्ड कार्स दिए हैं, उन्होंने एक्चुअली डेनियल क्रैग को छूट दी है कि वो जब चाहें और जो भी एस्टन मार्टिन की मॉडल चाहें उसे ले जाकर यूज कर सकते हैं, जब तक वो जेम्स बॉन्ड बने रहते हैं, लेकिन उन्हें वो रख नहीं सकते, और उन्हें इन कार्स को एक अच्छे बच्चे की तरह वापस करना होगा, और सर्जी का ये प्रिविलेज भी नो टाइम टू डाई के बाद खत्म होने वाला है। फैक्ट नंबर 4। जेम्स बॉन्ड एक्चुअली मर चुका है, लेकिन नॉवल में,
वो भी एक बार। एक्चुअली इयन फ्लेमिंग ने फ्रॉम रशिया विथ लव को एज अ लास्ट इंस्टॉलमेंट बनाया था जेम्स बॉन्ड की नॉवेल सीरीज का, जिसके अंत में फाइनली लास्ट में जेम्स बॉन्ड की मौत हो जाती है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे जॉन एफ कैनेडी ने फेमस कर दिया, फैंस को ये बात अच्छी नहीं लगी कि अब जेम्स बॉन्ड की कहानी खत्म हो चुकी है, जिसके कारण दुनिया भर से जेम्स बॉन्ड के फैंस ने इयन फ्लेमिंग से इस बात की मांग की कि वो जेम्स बॉन्ड नॉवल सीरीज को फिर से रिवाइव करें। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने इस सीरीज को फिर से रिवाइव किया और उन्हीं का शुक्रिया अदा करिए कि जेम्स बॉन्ड की 26वीं मूवी इस साल रिलीज होने वाली है। फैक्ट नंबर 3। सो गाइस, बहुत हो गई फिक्शनल जेम्स बॉन्ड की बात, अब चलिए बात करते हैं रियल जेम्स बॉन्ड्स और उनके MI6 के बारे में। तो रियल वर्ल्ड में MI6 का गठन 1909 में ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के एक सेक्शन के रूप में हुआ था। MI6 का फुल फॉर्म है मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6, जिसे कॉमनली सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। 1994 में जाकर सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस को सबके सामने पेश किया गया, भले ही मूवीज 1962 से ही क्यों न बन रही हूं। जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है कि जेम्स बॉन्ड किसी को भी मार कर निकल लेता है, वैसा असल जिंदगी में नहीं होता। कोई भी MI6 का एजेंट असल जिंदगी में किसी को भी बिना मतलब के ऐसे ही नहीं मार सकता, और अगर उसे इंग्लैंड के बाहर किसी को अगर मारना ही है तो उसे फॉरेन मिनिस्ट्री से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर इंग्लैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री इस चीज के लिए हाँ करती है तभी उसे ये परमिशन मिलेगी। फैक्ट नंबर 2। सो गाइस, आपको जेम्स बॉन्ड का फेमस थीम सॉन्ग तो याद ही होगा, जिसे हर एक बॉन्ड मूवी में शामिल किया गया है और वो बेसिकली जेम्स बॉन्ड मूवीज की पहचान है। लेकिन ओरिजिनली इस थीम सॉन्ग में लिरिक्स भी थे, जो बेसिकली स्नीज यानी कि छींक पर बेस्ड थे। इस गाने को ओरिजिनली लिखा था मॉन्टी नॉर्मन ने, जिन्होंने इस गाने का नाम दिया गुड साइन बैड साइन, और उनका ये गाना हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास के नाम के नॉवल के ऊपर बेस्ड था, जो बेसिकली एक आदमी की कहानी होती है जो किसी पर भी छींकता है तो उसकी मौत हो जाती है, और इसी के चक्कर में उसने अपने खुद के बाप की भी जान ली होती है। इसी के कारण अगर इसे वोकल्स के साथ मूवी में इंक्लूड किया जाता तो ये मूवी के सारे टोन को ही बर्बाद कर देता। इसीलिए ओरिजिनल ट्यून को रिटेन करते हुए जॉन बेरी ने इसके लिरिक्स को हटाकर इसे एक थीम सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, और इसमें अपने हिसाब से कई सारे एडजस्टमेंट्स और एडिशंस किए। फैक्ट नंबर 1। तो गाइस, चलिए अब बात करते हैं इयन फ्लेमिंग के जेम्स बॉन्ड के इंस्पिरेशन के बारे में, कि उन्हें इस कैरेक्टर को डेवलप करने की आखिर इंस्पिरेशन कहां से मिली। वो इस कैरेक्टर के लिए खुद ही इंस्पिरेशन थे, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े स्पाई थे और वो ब्रिटिश नेवी के अंदर एक कमांडर थे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई सारे जासूसी काम किए हैं, और नेवल इंटेलिजेंस में रिक्रूट होने के बाद वो रियर एडमिरल जॉन गुडफ्रे के पर्सनल असिस्टेंट बने। उन्होंने MI6 में तो काम किया ही था, साथ ही साथ उन्होंने अमेरिकन ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज के साथ भी काम किया है, जो आगे चल के CIA बना। यही नहीं, गोल्डन आई बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 का एक कंटिजेंसी प्लान था, जिसे एलाइज ने नाजिस के खिलाफ बनाया था अगर वो स्पेन में हमला करते हैं तो, और इस प्लान में इयन फ्लेमिंग भी शामिल थे। साथ ही साथ गोल्डन आई जमैका में उनके घर का भी नाम है, जहां पर बैठ के उन्होंने कई सारी जेम्स बॉन्ड की किताबें लिखी हैं। अब बस मुझे ये बात पता नहीं चल पाई कि पता नहीं इनके पास इजेक्टर सीट वाली कार थी कि नहीं। सो गाइस, ये थे 15 माइंड ब्लोइंग और अमेजिंग जेम्स बॉन्ड फैक्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग या फिर अमेजिंग फैक्ट कौन सा लगा। मुझे जॉर्ज लेजेंडी की सच्चाई बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी। साथ ही साथ फ्यूचर में आने वाली ऐसे ही ऑसम फैक्ट वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को कोई और भी देखे, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में शेयर करें। अंत में हमारे ऐसे ही ऑसम कंटेंट और इससे जुड़े हुए न्यूज अपडेट्स और फैक्ट्स को डेली पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को अभी लाइक करें। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।